आज की वीडियो में जानेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी ट्यूसडे के दिन किस तरह से बिहेव कर सकती है, कहाँ पे हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने चाहिए, कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, सारी डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। निफ्टी का चार्ट मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन कर रखा है। निफ्टी में मैंने ये जोन बताया था, ये जोन काफ़ी दिनों से मैं आपको बताया जा रही हूँ दोस्तों। ये जो जोन मैंने लगा रखा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। अगर निफ्टी इस जोन में ही चलती रहती है तो हमें सिर्फ स्कैल्पिंग करके निकलना है, स्कैल्पिंग में अच्छा प्रॉफिट हम इस जोन में बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ट्यूसडे के लिए क्या लेवल निकल के आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। उसके बाद जानेंगे ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से हमें कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए, ये सारी डिस्कशन करने वाले हैं वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निफ्टी का चार्ट मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन कर रखा है। और निफ्टी में अगर हम देखें तो लेवल जो निकल के आ रहा है निफ्टी में वो है 21,604 का। ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है रेजिस्टेंस बन के। आप देख पा रहे हैं 200 दिन की मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस बना हुआ है पहले से। तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो है 21,604 का। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो 21,557 का जो सपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है निफ्टी में। अगर ट्यूसडे के दिन ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है हमारे पास, समझ लीजिए, इसको थोड़ा ब्रॉड कर लेती हूँ मैं ताकि आपको कैंडलस्टिक अच्छे से नज़र आए और जो है मैं जो समझाना चाहती हूँ वो भी अच्छे से आपको नज़र आ जाए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सपोर्ट बना हुआ है 21,557 का। अगर ये ट्यूसडे के दिन इस तरह से ब्रेक हो जाता है तो हमें अगला लेवल देखने को मिलेगा 21,450 का। यहाँ तक का लेवल हमें बिल्कुल निफ्टी दिखा देगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं गैप भी छोड़ा हुआ है निफ्टी ने, ये भी फिल हो सकता है। और ये फिल होने के बाद इस तरह से डाउन साइड आने के बाद निफ्टी एक रिवर्सल भी ले सकती है। सपोर्ट कौन सा है रिवर्सल लेवल के लिए 21,450 का, ये सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ से निफ्टी एक बार फिर से रिवर्सल ले सकती है। तो रिवर्सल के लिए प्लान करना है तो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनने का वेट करना पड़ेगा आपको। जैसे ही यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल इस तरह से नज़र आती है और उसका हाई ब्रेक होता है तो हम रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे, तब तक हम रिवर्सल के लिए प्लान नहीं कर सकते। ऊपर की तरफ बात करें तो 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख पा रहे हैं 200 दिन की मूविंग एवरेज लगी हुई है और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है मार्केट ले रहा है 50 दिन की मूविंग एवरेज का। आप रेड कलर की जो मूविंग एवरेज है वो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है और ब्लू कलर की मूविंग एवरेज 200 दिन की मूविंग एवरेज है। 200 दिन की मूविंग एवरेज के बारे में, 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उस वीडियो को सीख सकते हैं किस तरह से हमें ट्रेड लेना चाहिए इंडिकेटर को यूज़ करके। सारे इंडिकेटर के बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, जो पेड कोर्स में भी नहीं सिखाए जाते, वो सारे इंडिकेटर मैं आपके लिए लेके आती हूँ, वो सारी स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है मेरी वीडियोज़ में, तो वीडियो को मिस मत किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, एक भी वीडियो मिस ना हो। ऊपर की तरफ बात करें तो रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए 21,666 का और उसके साथ जो है मूविंग एवरेज भी ब्रेक होना चाहिए इस तरह से, तो हम यहाँ पे कॉल साइड एंट्री ले सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो होने वाला है निफ्टी में वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लेवल ड्रॉ करके पहला टारगेट जो है हमारा निफ्टी में ऊपर की तरफ होगा, इस लाइन को हम यहाँ पर लेके आते हैं। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा निफ्टी में वो है 21,733 का। ये हमारा पहला टारगेट होगा निफ्टी में, यहाँ तक का प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं निफ्टी में। जो जोन बता रखा है मैंने वो जोन को आप भी मार्क करके रख लीजिए। ये जोन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये जोन है। लेवल अगर मैं बताऊँ जोन का तो यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है ऊपर की तरफ 21,767 का लेवल है और नीचे की तरफ जो लेवल है 21,515 का लेवल है। तो यहाँ तक का जो जोन है वो निफ्टी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। अगर निफ्टी इसके बीच में ही चलती है हमें स्कैल्पिंग करके ही निकलना है। समझ लीजिए निफ्टी बीच में कहीं पे ओपन होती है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के बीच में, 50 डेज की मूविंग एवरेज के बीच में ओपन होती है, तो इसी के बीच में फंस के रह सकती है, यहाँ पे हमें ट्रैप कर सकती है, मार्केट साइडवेज रह सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो है अवॉइड करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 200 दिन की मूविंग एवरेज ये है, 50 डेज़ की मूविंग एवरेज ये है, तो यहाँ पर हमें स्कैल्पिंग करके निकलना पड़ेगा। समझ लीजिए यहाँ पर कहीं पर ओपन होती है और उसके बाद नीचे आती है, यहाँ पर जैसे ही कोई बुलिश कैंडल हमें दिखाई देती है हम यहाँ पर उसके हाई ब्रेक होते ही ट्रेड लेंगे। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद 20-30 पॉइंट जो है निफ्टी में लेके एग्जिट हो जाएंगे।
ठीक है, ये ट्रेड होने वाली है। समझ लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है, ऊपर जाती है, फिर यहाँ से 200 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आती है, तो हमें यहाँ पे कोई बैरिश कनल जैसे ही नज़र आएगी, उसका लो ब्रेक होते ही हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे, और 50 दिन की मूविंग एवरेज का हमारा टारगेट होगा। नीचे की तरफ भी आपको 20 या 30 पॉइंट मिलने वाले हैं निफ्टी में, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो ये हमारा स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा अगर बीच में ओपन होती है तो। ऊपर की तरफ मैंने रेजिस्टेंस बता दिया आपको, अगर ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाता है तो ऊपर एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल जाएगा, 21,840 तक निफ्टी आते हुए हमें नज़र आ जाएगी। यहाँ तक का ट्रेड आप ले सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना आता है तो ही आप जो है इतना बड़ा टारगेट बुक करिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं आता, आपको 1:2 का टारगेट लेके एग्जिट हो जाना है। ऊपर की तरफ मैं बात कर रही हूँ, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है 21,733 का। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन चिन्हता देखेंगे, ऑप्शन चिन्हता क्या कह रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी लेवल बन के निकल के आ रहे हो, बहुत ही बढ़िया लेवल है दोस्तों बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड लेते हैं हम फ्लैट ओपनिंग होते ही, 50 दिन की मूविंग एवरेज अब नज़र आ रही है रेड कलर की, 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास कहीं पे मार्केट ओपन होती है यहाँ पे, और डाउन साइड आती है मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद डाउन साइड आती है, तो हमें अगला लेवल 45,487 का देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक का टारगेट हम बुक कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास मार्केट ओपन होती है, अपसाइड निकलती है, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने का वेट कीजिएगा, 45,774 का जो रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक हो जाता है इस तरह से प्राइस एक्शन के साथ, तो हमारे पास अगला टारगेट होने वाला है 45,942 का लेवल। यहाँ तक का प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है इस तरह से, ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है रेजिस्टेंस, जो दो रेजिस्टेंस मैंने बताया, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, अगर ये दोनों ही रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाते हैं तो ऊपर आप देख पा रहे हैं 200 दिन की मूविंग एवरेज है, इसका रेजिस्टेंस होगा अगला, यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा, बस उससे ज़्यादा का टारगेट आपको बुक नहीं करना है। वैसे रेजिस्टेंस ऊपर 46,229 का बन रहा है, लेकिन यहाँ तक मार्केट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके जो है मार्केट डाउन साइड आ सकती है, गिर सकती है, और आपको ट्रैप कर सकती है। तो ट्रैप से बचना है तो हमें सीखना पड़ेगा मार्केट को किस तरह से मार्केट बिहेव करती है, कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, कहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है, तभी आप एक ट्रैप से बच सकते हो, अपने कैपिटल को बचा सकते हो, लॉस से बच सकते हो, और जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ट्रैप से किस तरह से बचा जाए उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज़ दे रखी है, आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, एंड स्क्रीन में भी वीडियोज़ दे रखी है, और बाकी की स्ट्रैटेजी की वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी दोस्तों, आप ज़रूर जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैंने बना रखी है आप सभी के लिए। नीचे की तरफ बात करें तो नीचे अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है बैंक निफ्टी में 45,487 का, तो नीचे हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जहाँ तक का प्रॉफिट बुक होता है वहाँ तक का प्रॉफिट हमें बुक करना है और एग्जिट हो जाना है, उससे ज़्यादा का लालच हमें नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेडिंग होती है दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका लॉस भी हो सकता है और बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको जो है एक ही लॉट में काम करना चाहिए, जब तक आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते तब तक आपको एक ही लॉट में काम करना चाहिए। बैंक निफ्टी में आप देख पा रहे हैं गैप भी छोड़ा हुआ था बैंक निफ्टी ने, जो बहुत ही सुंदरता से बैंक निफ्टी ने फील किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें बैंक निफ्टी में, तो एक एम पैटर्न बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। एम पैटर्न का अगर ये नेकलाइन है, ये नेकलाइन अगर ब्रेक हो जाती है बैंक निफ्टी में, तो एक अच्छा मूव हमें डाउन साइड का देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल इस तरह से प्राइजेक्शन बन रहा है दोस्तों, आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस तरह से प्राइजेक्शन जो है बैंक निफ्टी में बन रहा है। तो ये जो प्राइजेक्शन के साथ जब मार्केट चलती है, हम अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं मार्केट के साथ चल के, लेकिन हमें समझना ज़रूरी है कि मार्केट का अगला मोमेंट क्या होने वाला है। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में वीडियोज़ बना रखी है, चार्ट पैटर्न के बारे में वीडियोज़ बना रखी है, उन सारी वीडियो को भी जाके देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऑप्शन चेन के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है कि लाइव मार्केट में आप ऑप्शन चेन डेटा को ऑब्जर्व करके किस तरह से बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं ऑप्शन चेन की मदद से। डिटेल में समझा रखा है कि किस तरह से ऑप्शन चेन डेटा को आपको लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करना होता है।
अगर बैंक निफ्टी समझ लीजिए 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास कहीं पे ओपन होते हैं, यहाँ पे गैप ओपनिंग हो जाती है और 200 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक कर जाती है, ये 200 दिन की मूविंग एवरेज को अगर ब्रेक कर जाती है मार्केट, तो हमें इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लेना है, उससे पहले ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज तो है ही, यहाँ तक मार्केट आएगी, इस रेजिस्टेंस तक आएगी और फिर से यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। एक छोटा सा एम पैटर्न बना के मार्केट जो है यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है और यहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगी, यहाँ तक आएगी रेजिस्टेंस के पास, फिर एक अच्छा खासा एम पैटर्न बनाएगी, फिर से अपसाइड जाने की कोशिश करेगी और एक एम पैटर्न बना के फिर से मार्केट डाउन साइड आ सकती है, ये मूवमेंट भी हो सकता है। तो बड़ा गैप ओपनिंग होती है बिल्कुल भी ट्रेड मत लीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा जब तक ये रेजिस्टेंस जो है 46,229 का जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपरली ब्रेक नहीं हो जाता प्राइस एक्शन के साथ, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट फिर से डाउन साइड आ सकती है एक अच्छा खासा एम पैटर्न बना के। चलिए ऑप्शन चंडेता देख लेते हैं, ऑप्शन चंडेता क्या कह रहा है ट्यूसडे के दिन हम कहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बन रहा है ये भी ऑप्शन चंडेता हमें बता देता है, वो मैंने वीडियो में डिटेल में सिखा रखा है दोस्तों, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। और कोर्स लेना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी का ऑप्शन चंडेता मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है, निफ्टी में अगर हम देखें कि कहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है 21,500 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद अगर हम देखें 21,600 का लेवल अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट के साथ बैठा हुआ है, और यहाँ पे 21,400 नज़र आ रहा है, इस तरफ अगर हम देखें तो 21,700 का लेवल अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट के साथ बैठा हुआ है, हर एक 100 पॉइंट पर हमें अच्छा ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मार्केट जो है 21,500 आती है, एक डाउन अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, अगर मार्केट 21,600 आती है तो यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये अभी तक का ऑप्शन चंडेता कह रहा है, वैसे ऑप्शन चंडेता जो है लाइव मार्केट में अपडेट होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं ऑप्शन चंडेता में, तो यहाँ के जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, यहाँ के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है लाइव मार्केट में, तो लाइव मार्केट में ही आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑप्शन चंडेता को। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का यहाँ पे ऑप्शन चंडेता ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है बैंक निफ्टी में। थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं हम बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे हमें नज़र आ जाएगा कि अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट 45,000 के लेवल पे है, इस तरफ अगर हम देखें तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है 46,000 के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, और यहाँ पे अगर हम अच्छा खासा बीच में ओपन इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करें तो डायरेक्टली मुझे 45,900 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट अगर समझ लीजिए सॉरी ये हम थोड़ा सा ज़्यादा ही ऊपर आ गए, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा हमें, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट जो है अच्छा खासा 46,000 पे लेवल के लेवल पे नज़र आ रहा है, और यहाँ पे हम देखें तो 46,500 पे नज़र आ रहा है, तो 46,000 अगर मार्केट आती है तो यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और 46,500 जैसे ही मार्केट आएगी यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ओपन कहाँ पे होती है ये इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट ओपन होते ही डाउन साइड आती है तो हमें जो है 46,000 से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, और मार्केट ओपन होते ही अपसाइड निकलती है तो 46,500 से हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे अभी तक का ऑप्शन चंडेता देख के लग रही है। जैसे लाइव मार्केट में चेंजेस होंगे तो चेंजेस हमें पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, अगर अर्निंग करना चाहते हैं, कैशबैक पाना चाहते हैं डीमेट अकाउंट ओपन करके, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आप वहां से डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और कैशबैक पाइए, 100 रुपीज़ से लेके 1 लाख तक आप कैशबैक इजीली पा सकते हैं, और गारंटेड कैशबैक है दोस्तों, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ से आपको गारंटेड कैशबैक मिल जाएगा। तो अभी तक आपने ओपन नहीं किया है या आपकी फैमिली में किसी को ओपन करना है, कैशबैक पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो आप वहाँ से कैशबैक जीत सकते हैं एक डीमेट अकाउंट ओपन करके। बैंक निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्या बताया, एम पैटर्न बताया, यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है, प्राइस एक्शन इस तरह से बनता है, अच्छा मूव डाउन साइड हमें देखने को मिल जाएगा। और निफ्टी में अगर हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो निफ्टी में हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लियरली क्या नज़र आ रहा है, कौन सा शॉर्ट पैटर्न नज़र आ रहा है वो देख लेते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों, आप
क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है निफ्टी में। अगर ये हेड एंड शोल्डर का ये जो नेक लाइन है ये अगर ब्रेक हो जाती है आने वाले दिन में, इस तरह से ब्रेकआउट हो जाता है डाउनसाइड, तो एक प्राइस एक्शन के साथ निफ्टी हमें नीचे डाउनसाइड आते हुए नज़र आ जाएगी और निफ्टी में भी एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी फिर से जो है 21,000 के लेवल को टच कर सकती है, तो ये मोमेंट मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बना हुआ है, प्राइस एक्शन बन रहा है और प्राइस एक्शन के साथ अगर हम चलते हैं तो हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। प्राइस एक्शन के बारे में भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मैंने, प्राइस एक्शन को किस तरह से पहचाना जाता है वो मैंने वीडियो में सिखा रखा है। डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन करके कैशबैक पा सकते हैं, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आपकी फैमिली में किसी का ओपन करना है तो आप वहां से ओपन कर सकते हैं, आपका खुद का ओपन कर सकते हैं, अच्छा खासा कैशबैक आप जीत सकते हैं। 100 रुपीज़ से लेके 1 लाख तक आप कैशबैक इजीली जीत सकते हैं। तो अभी जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करिए। यही था दोस्तों वीडियो में, वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।